आज हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी, फिर आपको मुक्तेश्वर रामगढ़ वैली के बेहतरीन नज़ारे दिखाते हुए, ये जगह कस्सी लेक कहलाती है, बहुत ही सुंदर जगह है, छोटा सा मार्केट है यहाँ और आसपास काफ़ी गांव हैं इसके, तो बहुत सारे लोग यहीं शॉपिंग करने आते हैं। और सामने हिमालय है, लेकिन चूँकि बादल लगे हल्के नहीं दिखाई दे रहा है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ से भालूगढ़ को जाते हैं, 5 किलोमीटर है यहाँ से, वाटरफॉल है भालूगढ़, बहुत ही सुंदर भवाली रामगढ़ रोड। और अब हम पहुंच गए हैं भवाली, ये भवाली भीमताल रोड है और बहुत सुंदर लगता है यहाँ से निकलना भी, हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगता होगा। यहाँ से भीमताल है लगभग 9-10 किलोमीटर और वहाँ से हल्द्वानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम आए हल्द्वानी के एक छोटे से ढाबे में, एक ठेला है जो अच्छा है काफ़ी, और काफ़ी सस्ता खाना यहाँ मिलता है और बहुत ही अच्छा सस्ता खाना 30 रुपए में भैया खिलाते हैं, दाल सब्जी रोटी चावल, और अभी आपको इनसे मिलवाते हैं। और पहले मैं इसकी लोकेशन बताना चाहूँगा आपको, ये हम लोग खड़े हैं इस समय कालाढूंगी रोड, ये सीधे रोड जाती है कालो सिद्ध मंदिर के लिए, और ये ट्रेंड का शोरूम है सामने, यहाँ सीधे कालाढूंगी को रोड चली जाती है, तो यही इन भैया का छोटा सा सेटअप है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भी यहाँ है, काफ़ी लोग यहाँ खाना खाते हैं और अभी भी खा रहे हैं। सर ये कब से खिला रहे हैं आप लोगों को खाना? ये 2018 से। जी जी। क्या क्या खिलाते हैं थाली इसमें में? हमारे एक दाल होती है आपकी, और मिक्सर वेज सब्जी होती है, एक आलू छोले होते हैं, कढ़ी चावल। अच्छा। और आलू के पराठे, आपके तवे वाली रोटी होती है सर। आलू के पराठे, तवे वाली रोटी। जी। और ये पुष्पा है जो लगा रही है खाना, थाली लगा रही है, ये हमारे लिए लगा रहे हैं? नहीं, हमने तो आपके लिए रोटी आई। अच्छा, किसी और के लिए लगा रहे हैं। तो सुबह कितने बजे आप शुरू कर देते हैं? सुबह 5:30 बजे सर। 5:30 बजे? जी जी। और शाम को कितने बजे तक रहते हैं? 4:30-4 बजे। 4:30-4 बजे? जी जी। तो थाली का आप क्या चार्ज करते हैं? 50 रुपए का। 50 रुपए की? क्या क्या देते हैं उसमें? उसमें रोटी आएगी, हाफ चावल आएगा, 4 रोटी आएगी, दाल सब्जी और चटनी आती है। और पराठा आप कैसे देते हैं? पराठा 30 के। 30 के 2? जी। तो आप भैया कब से खा रहे हैं यहाँ खाना? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। अच्छा लगता है खाना इनका? बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया होता है, रोजाना सुबह आता हूँ, सबसे पहले खाना ही खाता हूँ। खाना खा के जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग आए हैं हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड पर, ये भैया हैं, इनका बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सेटअप बनाया और बहुत प्यार से लोगों को खाना खिलाते हैं। तो हमें भी कहीं से पता लगा कि भाई हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड पर हस्बैंड वाइफ हैं जो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना बहुत कम पैसों में खिलाते हैं लोगों को, तो यही हमने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। और इनके यहाँ कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल, और ये परांठे भी देते हैं, 2 परांठे अचार 30 रुपए में देते हैं, और काफ़ी इनके यहाँ भीड़ रहती है। इस समय हम लोग आए तो काफ़ी लोग खा के जा चुके हैं। और अब हमारी बारी भी आ गई है, हमारी प्लेट लग रही है। पहले इन भैया ने अचार रखा है और इसमें दाल डाल रहे हैं, और इधर आलू बैंगन की सब्जी है। हम लोगों ने एक थाली ऑर्डर की है, इसमें सब्जी होगी, 4 चपाती देते हैं लोग, और इसमें चावल भी देते हैं 50 रुपए में। 50 रुपए में आपको अचार भी मिल रहा है, दाल भी है, सब्जी है, 4 रोटी हैं और चावल भी इसमें हैं।
तो एक बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं डाइट है, बहुत कम पैसों में और एक अच्छा शुद्ध खाना आपको ताज़ा मिल रहा है ढाबे पर। तो अब हमारी प्लेट लग गई है, हम लोग भी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा खाना है यहाँ का। और चलिए अब चारों की मम्मी और निक्की बैठी हैं, इन्होंने मंगाया अपने लिए कढ़ी चावल। निक्कू और चारों की मम्मी कढ़ी चावल खा रही हैं। ये एकदम ताज़ा और झोली है, झोली कढ़ी नहीं है, झोली है। तो हमारे लिए भी यहाँ थाली लग गई है भैया के यहाँ। ये हरीश वर्मा जी हैं जिनका ये सेटअप है छोटा सा, और पुष्पा है उनकी वाइफ, दोनों सुबह आ जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही शुद्ध खाना आपको खाने के लिए देते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, आलू बैंगन की सब्जी मिली हमें और आलू मटर है शायद एक में, चावल हैं, रोटी हैं, वैसे चार चपाती देते हैं बट हमने दो ही ली हैं। बहुत ही अच्छा खाना है, 30 रुपये में भी ये खिला रहे हैं परांठे और 50 रुपये में तो काफ़ी चीज़ें हैं। एक डाइट आप 30 रुपये से भी अपना खा सकते हैं खाना। आज हम लोग आए थे हल्द्वानी में, तो यहाँ हमने टेस्ट किए हरीश वर्मा जी का एक छोटा सा सेटअप है, वहीं हमने खाना खाया। कुछ बोलेंगे चारों की मम्मी? तो ऐसे ही जो छोटे सेटअप होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा ताज़ा खाना मिल जाता है, और जो भी हल्द्वानी के लोग हैं या बाहर के लोग हैं तो यहाँ के खाना ज़रूर खाइए और मज़ा उठाइए। और देखिए हमें ऐसे ही लोगों को इनक्रेज करना चाहिए, और सस्ता भी बहुत दे रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ कहेंगे लास्ट में चारों की मम्मी? ठीक है दोस्तों, वीडियो देखते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें हमारी तरह। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।